हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर फूड वर्ल्ड। आज मैं लेके आई हूँ मखाना से एक नई रेसिपी। मखाना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और बहुत कुछ होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हम इससे नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले मखाने लिए हैं और मखाने को कर लेंगे रोस्ट। मखाने को आप किसी ना किसी तौर पर खाना चाहिए, वो बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। अच्छे से हम इसे क्रिस्पी कर लेंगे। जब ये अच्छे से देखिए सिक जाएंगे, तो ये देखिए इसको सिकने, अगर आपको चेक करना है कैसे हो रहा है क्रिस्पी, तो आप इसे तोड़ कर देखिए और अच्छे से टूट रहे हैं, ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मिक्सर जार में पीनट्स भी डालकर हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो क्रशर में डालकर पीस सकते हैं। तो देखिए सभी मखानास को मैंने प्लेट में एक में साइड में निकाल लिया है। तब तक देखिए पीनट्स का जो था वो भी पाउडर कितना अच्छा तैयार हो चुका है। मैंने दरदरा ही पीसा, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो देखिए तिल भी मैंने यहाँ पर छोटी कटोरी एक ली है, उसे भी अच्छे से भून लेंगे। भुनने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं तिल, आप ज़रूर ऐड कीजिए। मैंने भी देखिए बिल्कुल सिम पर यानी कि स्लो फ्लेम पर इसे मैंने भून लिया है। इसे मैं प्लेट पर निकाल लूँगी साइड पर, बस थोड़ा सा ही मैंने भुना है। अब मैं कढ़ाई में गुड़ डाल रही हूँ, एक कटोरी गुड़ ली है। गुड़ को पहले मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था ताकि इजी हो जाता है इसे मेल्ट करना। अब यहाँ पर एक से दो चम्मच मैं डाल दूँगी पानी, ज़्यादा नहीं डालना है पानी, बस थोड़ा सा ही ऐड करना है और इसे अच्छे से ऐसे हम मेल्ट करने लग जाएंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी जल्दी ये मेल्ट हो गया है, क्योंकि हमने क्रश किया हुआ था ये। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर एक चम्मच इलायची पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हल्की सी आधी चम्मच मैं काली मिर्च डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब इस गुड़ की चाशनी को अच्छे से हम पकाएंगे। जब तक ये अच्छे से बन नहीं जाती, हम इसे ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए धीरे धीरे अब ये पकने लग जाएगी, बस आप इसे लगातार चलाते रहिए। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, एक चम्मच ही घी डालूँगी। तो अच्छे से देखिए इसे ऐसे चलाएं लगातार। की चाशनी को चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा सिरप इसे डालकर चेक कर लेंगे। अगर ये आसानी से ऐसे टूट रहा है, ये देखिए, अगर ये अभी देखिए अभी काफ़ी ये कच्चा है, तो मतलब अभी नहीं पका है, ये क्रिस्टल की तरह बन जाए तो समझ लीजिए ये हमारा तैयार है बनकर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे स्टेज पर आकर आधी चम्मच यानी कि एक से दो पिंच मैं डाल रही हूँ सोडा, ज़्यादा नहीं डालना है सोडा, बहुत कम ही क्वांटिटी रखें। और इसे डाल दीजिए, अब देखिए बहुत फ्लफ़ी होने लग जाएगा गुड़, बहुत जल्दी अब फटाफट फूलने लग जाएगा। ये देखिए कितनी फटाफट ये अभी फूल चुका है, बस ये हमारा लगभग तैयार ही है। आप बिल्कुल पानी में से डालकर कटोरी में डालकर एक बार चेक कर लीजिए, अगर ये क्रिस्टल की तरह टूटने लग जाए तो मतलब ये परफेक्ट बन गया है हमारा। इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर मखाना भी सारे ऐड कर देंगे। तो आपने जब फ्राई करके मखाना डाले हैं तो कभी भी आपके मखाना सोगी नहीं होंगे, बहुत क्रिस्पी रहने वाले हैं। और ये एज अ टॉफ़ी आप यूज़ कर लीजिए या एज अ डेज़र्ट, बहुत अच्छा लगने वाला है। स्नैक्स के तौर पर इसे खाइए, बहुत टेस्टी भी लगेगा। और अब इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर तिल भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर तिल ऐड कर दिए हैं, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल रही हूँ पीनट्स का पाउडर जो मैंने दरदरा पीसा था, तो इसे देखिए अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। पीनट का जो पाउडर डाला ना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है और थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा। आप आसानी से इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता, 10 मिनट में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस बर्तन में आप इसे निकाल रहे हैं उससे पहले ग्रीस कर लीजिए घी से, ताकि बिल्कुल भी ये चिपके ना। तो मैं यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर रही हूँ घी से। अब इसके अंदर वो मखाने सारे ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर डालकर हल्का सा मखानों को ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद इसे अलग अलग कर देंगे। तो देखिए ठंडा होने के बाद कितनी आसानी से हम इसे ऐसे एक एक करके अलग कर देंगे। बहुत इजी ट्रिक है और आराम से आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, आप इसे इंजॉय भी कर सकते हैं।
अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और आप ये मखाना की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। मखाना सबको पसंद होते हैं और बहुत हेल्दी वर्जन है। आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपीज़ के लिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।